तो दोस्तों अब हम अपने पांचवें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सामने बल्कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि ये 12 वोल्ट का सर्किट, टाइम डिले सर्किट, ट्रांसफार्मर और ये अभी खाली बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है। अब हमने इसके सामने जो इसका फेस है यानी कि डायल है, इसके कनेक्शन हमने मुकम्मल करने हैं। तो इसके और ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन हैं ये हम इससे अगले स्टेप में करेंगे यानी कि अगले हिस्से में करेंगे। अभी सिर्फ हमने आज इसके अंदर तारें लगी हुई हैं, इनके तारों को हमने समझना है कि हमने इनके कनेक्शन जो हैं इनको किन किन पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पर तो हम अमली तौर पर समझेंगे। आप यहाँ पर साइड के ऊपर डायग्राम भी देख रहे हैं, डायग्राम के ऊपर भी नज़र रखिए और वहाँ से भी समझने की कोशिश कीजिए और साथ साथ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो होंगे वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो किस्म के डायल दिखाई दे रहे हैं, दो किस्म के डायग्राम आपको साइड पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक जो आपको डायल दिखाई दे रहा है वो तो इस स्टेबलाइजर का है और इसी की आपको जो बैक है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये वाली बैक होगी। और एक जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो इस स्टेबलाइजर के डायल का है, ये आपको किसी ऊपर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सेम यही बनी, लेकिन मैंने यही बनाने की कोशिश की आपको डायग्राम में, यही वाला डायल जो है ये दिखाई दे रहा है। दो इसमें मीटर हैं और दो इसके अंदर जो लाइट लगी हुई हैं वैसे ही आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रही होंगी इसमें। लेकिन एक बात आपके जहन में रहे कि ये जो डायग्राम है ये मुकम्मल नहीं है, वहाँ तक ही हमने इस डायग्राम को बनाया है जहाँ तक हमें ज़रूरत थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम डायग्राम को भी आगे मज़ीद उसके जो कनेक्शन होंगे वो बढ़ाते जाएंगे। तो क्योंकि ये वाला सर्किट 160 वोल्ट से 220 के लिए बनाया गया है, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ दो रिले लगाई गई हैं। अगर आपकी ज़रूरत इनसे ज़्यादा है यानी कि आपने 110 वोल्ट से अप करना है या आपने 180 वोल्ट से ट्रांसफार्मर जो है ये वाइंड किया है, आपकी ज़रूरत जो है उनमें रिले की ज़्यादा ज़रूरत आपको महसूस होती है, तो फिर आपने रिले को कैसे बढ़ाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आपको एक ईंट जो है ये लगाने का पता चल जाए तो उसके साथ दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, आप ईंट के साथ ईंट लगाते जाएँ, आप एक खूबसूरत दीवार जो होगी वो तामीर कर सकते हैं, बना सकते हैं। टाइम डिले सर्किट के भी हमने कैसे कनेक्शन करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो डायग्राम में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं मैंने पहले आपको बता रहा हूँ ये मुकम्मल नहीं है। जिस जगह पर कनेक्शन हमने करने हैं मैंने इस सर्किट को भी लगाया है और इसी ट्रांसफार्मर को भी वहाँ पर रखा है, आपके आपको समझ आ सके और आपको पता चल सके कि हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। तो मेरे दोस्तों इस स्टेबलाइजर की बॉडी को मैं करीब कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये बॉडी की अंदर वाली जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, तारें आपको दिखाई दे रही हैं। अब हमने इन दो मीटर के, इस लाइट के, ये वाली क्योंकि हमने एक अजाफी LED लगाई है तो इसकी तार को मैं एक साइड पे कर देता हूँ। एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर आप दो अदद सॉकेट को देख रहे हैं, तो इनको हमने कनेक्शन जो हैं ये मुकम्मल करने हैं। तो इसके कनेक्शन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल तार की बात करते हैं, तो ये आप डायग्राम की तरफ भी देखें तो वहाँ पर भी आपको न्यूट्रल तार जो है दिखाई दे रही है। यहाँ आपने इस रेड तार को नज़रअंदाज करना है, अभी आप ये समझे कि ये सुर्ख तार नहीं है। तो यहाँ पर आप जो ये ब्लैक कलर की तार दिखाई दे रही है ये 220 पहर से जो हमारी न्यूट्रल तार होगी वो है। आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल तार को हमने यहाँ पर जो साकट है इसके एक पॉइंट के ऊपर लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी साकट जो दिखाई दे रही है यहाँ से न्यूट्रल तार को इसके एक पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी आपको कंपोनेंट्स इसके अंदर यानी कि अज्जा नज़र आ रहे हैं हमने तमाम के साथ न्यूट्रल तार को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल तार बाहर से जो सप्लाई आएगी उसको हमने सॉकेट के साथ, सॉकेट से हमने इस सॉकेट के साथ, और फिर यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ देख पा रहे होंगे डायग्राम में भी देखें और यहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ से इस मीटर के ऊपर और इस मीटर से आप इस मीटर के ऊपर तार को लगाएंगे न्यूट्रल को, और उसके बाद ये जो हमारी लाइट लगी हुई है तो इसकी भी तार जो है इसको भी हमने न्यूट्रल तार जो है। अब हम फेज़ की बात करते हैं, ये ब्लैक तार को आप नज़रअंदाज करें, इसको अभी आप भूल जाएं। अब सिर्फ आपने जो रेड तार है इसकी तरफ देखना है, तो डायग्राम पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा
तो ये जो तार है ये 220 की तरफ से यानी कि बाहर से आ रही है और इसको हमने स्विच के साथ लगा दिया है। डायग्राम में भी आपको स्विच लगा दिखाई दे रहा होगा, तो ये सबसे पहले 220 सप्लाई स्विच में और स्विच से यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मीटर की तरफ ये तार जा रही है, इसको हमने इस मीटर के साथ लगा दिया। तो दोस्तों इस मीटर की, इस लाइट की ये जो तार एक एक हमने कॉमन की हुई है, एक इस मीटर की और इस लाइट की एक एक तार को जो हमने कॉमन किया है और एक ये जो आपको सॉकेट की तरफ से दिखाई दे रही है रेड तार, ये आप देख सकते हैं कि इसके इस सॉकेट के पॉइंट से और सॉकेट के इस पॉइंट के ऊपर हम दोनों को ऊपर हमने इसको कॉमन कर दिया है और इस तार को भी हम इसके साथ मिला देंगे, यहाँ पर कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद ये तीनों तारें जो हैं ये हमारे टाइमर के नॉर्मली ओपन के ऊपर हम इनको लगा देंगे। ये नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के ऊपर हमने नहीं इसको लगाना बल्कि इसको नॉर्मली ओपन के ऊपर यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे ही हमारा टाइम डिले सर्किट इसको कुछ देर के बाद ऑन करेगा, ये सेंटर वाला पॉइंट जो होगा ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन के साथ मिल जाएगा और वोल्टेज जो होंगे ये इस मीटर को, इस लाइट को और आउटपुट सॉकेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक ये लाइट हमने जो कि 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर लगा रखी है, ये LED है, तो इसको आपने या तो यहाँ से आप 12 वोल्ट इसको DC जो है उसके ऊपर आप कनेक्ट करें, अगर यहाँ पर आपने नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से भी आप 12 वोल्ट जो है ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने इस तार को, इसके जो दो तारों के पॉइंट हैं उन 12 वोल्ट के ऊपर हमने लगा देनी है। तो अब साथियों इस रेड यानी कि जो स्विच से ये निकलती हुई ये वाली रेड तार है इसकी बाबत बात करूँ तो इसको हमने, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है आप देख रहे हैं, इसको जहरी सी बात है कि हमने न्यूट्रल और फेज सप्लाई जो है देनी है। तो ये तार जो होगी इसके एक तार के साथ, वायर के साथ, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे मैंने यहाँ से तार निकाली है, हालांकि ये तार इस तरफ से निकल रही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तारें थी इसलिए मैंने इस तरफ से इसको जहर किया है। ये 220 के लिए जो लाइन तार होगी ट्रांसफार्मर के लिए, जब हम इसके ऊपर 220 सप्लाई लगाएंगे, 220 सप्लाई इसको देंगे तो जहरी सी बात है कि इसकी जो लूप्स होंगी उसके ऊपर जो वोल्टेज होंगे वो मुख्तलिफ जो वोल्टेज होंगे वो ज़्यादा। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका, इस पर इसको हम न्यूट्रल तार के साथ यानी कि स्टेबलाइजर की ये जो बॉडी है इसका ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसके साथ हम इसको मुंसलिक करेंगे और ये वाली जो तार है यानी कि 220 के लिए, तो ये स्विच के साथ जो ये तार रेड आपको दिखाई दे रही है इसको हम इसके साथ लगा देंगे। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर 220 सप्लाई जो होगी वो इन होगी। इस तरह से हम मुख्तलिफ जो लूप्स हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो वोल्टेज होंगे वो हम हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम के अंदर ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है वो यही वाला ट्रांसफार्मर है, इसकी ये तारें आपको दिखाई नहीं दे रही, तो लिहाजा इस तार को हम 220 के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर महदूद कर लेते हैं। काम सीखिए, काम सिखाइए और ख़ुद भी कीजिए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। यकीन करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।